फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाने से। स्पेसशिप के अंदर जो पूरी रिसर्च टीम है वो सारे पैसेंजर्स मुसाफिर 90 साल के बाद अपनी नींद से जागेंगे। इस स्पेसशिप का मिशन ये था कि वो इस पूरे टीम को जमीन जैसे दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाए, जिसमें उसे अभी भी 90 साल का सफर तय करना है। अब इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र न बढ़े, इसलिए पूरी टीम को अलग अलग खास किस्म की मशीन्स में रखा गया था, जिन्हें स्लीपिंग चेम्बर्स कहा जाता है, जिनमें सब इंसान लंबी नींद में सोए हुए थे। इन मशीन्स का काम ये था कि वो इंसानों के जिस्म को 90 साल तक महफूज करके रखेंगे। उनकी नींद भी तभी खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी सामने कई सारे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, यानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े, जो अब स्पेसशिप को टकरा जाते हैं। पर ये स्पेसशिप काफी एडवांस्ड मजबूत थी। एस्ट्रॉइड्स के टकराने से इसका रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हालांकि स्पेसशिप में कुछ खराबियां तो हुई लेकिन वो खुद को बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसा होने से शिप बंद हुई और अगली पल रिस्टार्ट हो जाती है। पर इस टक्कर की वजह से एक पैसेंजर की स्लीपिंग चेम्बर की लाइट ऑन हो गई। देखते ही देखते उसका चेम्बर खराब हो गया, उसके पूरे जिस्म से मशीन्स हटने लगी। स्पेसशिप अपना 30 साल का सफर कर चुकी थी और अब वो अपनी 30 साल की गहरी नींद से जाग जाता है। इसका नाम जिम था। वो उठकर आगे बढ़ा। अब पहले तो उसे काफी चक्कर आ रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब जिम उस हॉल में जाता है जहाँ सफर खत्म करने के बाद सारे पैसेंजर्स ने जमा होना था, क्योंकि यहाँ इनकी तब मीटिंग होने वाली थी। मगर साहिरा उसने देखा कि इस हॉल में कोई भी नहीं है। वो पूरे स्पेसशिप में बाकी सभी पैसेंजर्स को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने अलावा वहाँ कोई भी नहीं मिला। वो कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाने लगा, पर उसका दरवाजा लॉक था, क्योंकि इसे कंट्रोल रूम के मेंबर की आईडी से ही खोला जा सकता था या फिर टीम के हेड की। इसलिए अब जिम सिस्टम से ही अपनी लोकेशन की डिटेल्स निकलवाता है, ताकि वो पता कर सके कि इस वक्त स्पेसशिप कहाँ है। जहाँ उसे पता चल गया कि वो अपनी मंजिल यानी उस प्लेनेट से 90 साल दूर है, यानी कि वो 90 साल पहले ही जाकर अपनी स्लीपिंग चेम्बर से एक्टिवेट हो गया है। वो काफी मायूस हो गया, वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी उसकी नजर सामने गई, उसे लगा कि वहाँ कोई इंसान है, तो जिम उस तरफ ही जाने लगा, जहाँ उसे पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल वाला रोबोट है। अब जिम को वहाँ एक औजार मिला, जिसकी मदद से वो अपने स्लीपिंग चेम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर इस चीज में वो नाकाम ही रहता है। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है, औजारों से उसके दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, मगर वो इतना मजबूत दरवाजा था कि इसे कुछ भी करना नामुमकिन था। आगे बढ़कर जिम ने देखा कि अब स्पेसशिप की बाकी फंक्शंस में भी खराबी आ रही है, मगर वो इन चीजों को नजरअंदाज करके रोबोट के पास जाकर बैठ गया। उसे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा के लिए इस स्पेसशिप में फंस गया हूँ, कोई मेरी मदद को नहीं आएगा, मैं अकेला ही मर जाऊंगा इधर। ये सुनकर रोबोट कहता है कि इंसानों की यही खामियां हैं, उन्हें हमेशा वो चाहिए जो उन्हें पसंद हो और जो उनके पास ना हो, और उस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो आपके पास है। उसकी ये बातें कहीं ना कहीं जिम पर असर कर जाती है, इसलिए स्पेसशिप में जो था वो उनसे फायदा उठाने लगा, खुशी खुशी आगे अपनी जिंदगी जीने लगता है। स्पेसशिप में करने को खेलने को बहुत कुछ था, तब वो सब करके ही जिम अपना वक्त गुजारता है। तभी उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर जाता है। अचानक उसकी नजर एक स्लीपिंग चेम्बर पर गई, जिसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। इसका नाम अरोरा होता है। अब जब ये लोग जमीन पर थे तो वहाँ जिम अरोरा को पसंद करता था, इसलिए अब वो वीडियो में उसका इंटरव्यू देख देख कर ही अपना वक्त गुजारा करता था। अब उसके दिमाग में ये आता है कि मैं अरोरा को भी नींद से टाइम से पहले ही जगा देता हूँ। अब वो जानता था कि ये करना गलत है, मगर आखिर में वो इस फैसले पर पहुंचा कि मैं अरोरा को नींद से जगाऊंगा। अब क्योंकि उसके बाल और शेव काफी बढ़ गई थी, तो वो अपने बाल कटिंग करने लगता है, जिसके बाद अपना औजारों वाला बॉक्स लेकर अरोरा के चेम्बर के पास आ जाता है। वो एक औजार से उसके चेम्बर के सिस्टम को करंट दे देता है। ऐसा करने से चेम्बर खराब हुआ खुल जाता है, मगर इससे पहले उसकी आंखें खुलती वो अपने पास जिम को देखती। वो अपना औजारों वाला बॉक्स लेकर भाग जाता है, सभी औजार किसी जगह पर छुपा देता है, ताकि अरोरा को ये बात पता ना चल सके कि उसके साथ ऐसा मैंने किया है। जिसके बाद अरोरा अपनी नींद से जाकर आगे बढ़ी, और अब जब दोनों का आमना सामना हुआ तो अरोरा उससे पूछती है कि टीम के बाकी लोग कहाँ पर हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर जिम उसे बता देता है कि तुम्हारा और मेरा स्लीपिंग चेम्बर खराब हुआ है। साथ ही वो घबरा भी रही थी, इसलिए वहाँ जाकर देखती है जहाँ सबकी चेम्बर्स रखी हुई थी। वो देख लेती है कि जिम सही कह रहा था। ये देखकर अरोरा कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तब जिम उसे संभालता है, कहने लगा कि अभी तुम आराम कर लो, इस बारे में हम कल कुछ कर लेंगे। अगले दिन दिखाया गया कि अरोरा मशीन से अपना खाना लेती है, जहाँ मशीन ने उसे ढेर सारा अलग अलग तरह का खाना दिया था, क्योंकि वो गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी, हमेशा अलग अलग चीजें खाया करती थी। अब जिम उसे पता चला कि जिम इतने सालों से एक तरह का ही खाना खा रहा है, तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना निकाल कर देती है। अब अरोरा भी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो भी ऐसा नहीं कर पाती, जो देखकर अब अरोरा को भी यही लगने लगता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो अब वो अपनी किताब लिख कर उसे पूरा करने का फैसला करती है, जिसके बाद
बाद अरोरा उससे पूछती है कि यहाँ पर करने का कुछ है। इस पर जिम कहता है कि हाँ, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं और भी कई सारी चीजें हैं। ये लोग डांस को चुनते हैं जहाँ AI सिस्टम इन्हें डांस करना सिखाती है, जिससे ये लोग इंजॉय करने लगते हैं। खुद इन्होंने डांस किया, दोनों ही काफी खुश थे। ये लोग स्पेस की सैर भी करते हैं, इन्हें बहुत मजा आया करता था और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। दिखाया गया कि स्पेसशिप अब एक काफी बड़े तारे के पास से गुजरती है जो बहुत चमकदार था, इसलिए काफी खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर से चिंगारियों जैसी आग निकलती है। अब अगले दिन अरोरा, जिम और रोबोट तीनों मिलकर अरोरा की बर्थडे मनाते हैं। यहाँ जिम उसे अंगूठी गिफ्ट करना चाहता था ताकि वो बता सके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर बातों ही बातों में रोबोट के मुँह से ये निकल जाता है कि अरोरा, तुम्हें स्लीपिंग चेम्बर से जिम ने निकाला है, ना कि तुम्हारे चेम्बर में खराबी हुई थी। ये जानकर अरोरा काफी दुखी हो गई। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने उसे धोखा दिया था। वो जिम से इतना नाराज हो गई कि बात करना ही छोड़ देती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक रात जब वो सो रहा था तो अरोरा उसके पास आकर मुक्कों से उसे बहुत मारती है, फिर जान से मारने वाली थी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पा लेती है। जिसके अगले दिन जिम ये कबूल कर लेता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने ही तुम्हें स्लीपिंग चेम्बर से जगाया था, मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक साल अकेले रहने की वजह से मैं जैसे पागल हो गया था। लेकिन अब भी अरोरा उसकी एक नहीं सुनती, उस पर ही काफी चिल्लाने लगती है। अगले दिन जब वो लिफ्ट में था तो अचानक खराबी होने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है। वो रुक गई तो अब जिम बाहर नहीं जा सकता था, तो अब हाथों की मदद से जैसे तैसे लिफ्ट को खोलकर वो बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ जब अरोरा भी मशीन से खाना लेने जाती है तो मशीन में भी खराबी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना अरोरा के ऊपर फेंक देती है। ये देख दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो इस बारे में सोच रही थी कि तभी इन्हें किसी इंसान की आवाज आई। ये जब चेक करने आगे बढ़े तो देखते हैं कि इनकी टीम का हेड भी अपनी स्लीपिंग चेम्बर से जाग गया है। हेड को भी खराबी का पता चल गया था, इसलिए वो अपनी RD से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है ताकि चेक कर सके कि और कौन कौन सी खराबियां हैं, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो ये लोग फैसला करते हैं कि स्पेसशिप में होने वाली खराबियों को हम खुद ही चेक करेंगे। तीनों जब आगे बढ़े तो इन पर एक रोबोट गिर जाता है, मगर वो जमीन पर गिर कर टूट गया था। ये देखकर हेड बताता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब होकर टूट गया है। अब हेड अरोरा की स्लीपिंग चेम्बर को जाकर चेक करता है। उसे पता चल गया था कि इसे जिम ने खराब करके खोला है। हेड उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि एक साल इंसान वाकई अकेला रहकर पागल हो सकता है। अब अचानक ही हेड की तबीयत खराब होने लगी। वो जब अपने कमरे में आया तो देखता है कि मेरे मुंह से खून आ रहा है। अब एक रात स्पेसशिप की लाइट अपने आप ही चली जाती है, जिस वजह से इस जगह की ग्रेविटी पूरी तरह से बंद हो गई थी। ग्रेविटी यानी जो किसी चीज या इंसान को जमीन पर रोके रखती है, और अब ऐसा होने से ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा जो पोल में थी लाइट बंद होने की वजह से एक काफी बड़े पानी के बबल में आकर फंस गई थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी तो अंदर रहकर उसका दम घुटने लगा। उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर इससे पहले उसकी जान चली जाती स्पेसशिप भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बिजली वापस आ गई थी। ऐसा होते ही अरोरा भी पुल से बाहर आ गई और जिम जो उड़ रहा था वापस अपने बेड पर आ जाता है, जिसके बाद ये तीनों खराबियां AI सिस्टम में देखने लगती है। ये पता चला कि शिप में तो बहुत सारे मसले हैं। अब ये लोग पावर सप्लाई वाले एरिया में आए थे जहाँ बिजली की पूरी स्टोरेज थी, पर यहाँ आकर हेड बेहोश हो जाता है। अब उसके जिस्म को जब पूरा स्कैन किया गया तो पता चला कि हेड को तो 612 बीमारियां हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसके टिश्यूज खत्म हो रहे हैं, यानी कुछ ही टाइम में वो मर जाएगा। अपने बारे में ये सब जानकर हेड बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो इन दोनों को अपने पास बिठाकर कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात एक दूसरे का ख्याल रखना और प्यार से रहना। वो इन्हें अपनी ID भी दे देता है ताकि ये यहाँ पर रुककर कुछ भी कर सके, और बस इसी के साथ उस बेचारी की मौत हो जाती है। उसकी लाश को वहीं छोड़कर अरोरा और जिम शिप की खराबियों को ठीक करने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी अचानक एक ऐसी खराबी आई कि ये दोनों और आसपास की हर चीज हवा में उड़ जाती है। रोबोट में भी ऐसी गड़बड़ी आ गई कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था, जो देखकर अरोरा जल्दी से उसके पास गई, उसके सिस्टम को ही बंद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़ के स्पेसशिप के सारे हिस्सों को बदलने लगती है। ऐसा करने के बाद वो पावर सप्लाई रूम के बाहर आई। इन्होंने जैसे दरवाजा खोला तो अंदर एक काफी बड़ा सुराख था, जिसकी तरफ अभी दोनों खींचने लगते हैं, मगर ये खुद को कंट्रोल करके उस सुराख को बंद कर देती है। खुद को संभालने के बाद इन्होंने देखा कि शिप में उस जैसे और भी कई सारे सुराख हैं। और अब जब ये मेन पावर सप्लाई के सिस्टम के पास आए तो पता चला कि बिजली का पूरा सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए वो जल्दी से सभी हिस्सों को बदलने लगती है। मगर खराबी की वजह से स्पेसशिप में हीट गर्मी इकट्ठा होने लगती है, जिसे बाहर निकालने के लिए इन्होंने लीवर खींचा, पर गेट खुलता ही नहीं। और अब अगर जल्दी हीट को बाहर ना निकाला गया तो यहाँ धमाका हो जाएगा। ये देखकर जिम अब खुद ही सूट पहनकर बाहर आया और उस तरफ जाने लगता है जहाँ से हीट को बाहर निकालना था। शिप के अंदर का टेम्परेचर
काफी बढ़ गया था। हर चीज तेज गर्म हो जाती है। उस जगह पर आकर जिम बाहर से लीवर खींचता है जिससे वो दरवाजा खुल गया, मगर जैसे उसने लीवर छोड़ा दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये देखकर जिम समझ गया कि अगर दरवाजे को खुला रखना है तो लीवर को पकड़े रखना होगा। लेकिन एक मसला था, जब हीट इस रास्ते से निकलेगी तो वो जिम को भी छूकर गुजरेगी, तो इस तरह उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर लीवर खींचता है जिससे दरवाजा खुल गया। ऐसा करने के बाद अरोरा को कहता है कि जल्दी से लीवर खींचो ताकि हीट बाहर निकल सके, मगर वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ भी हो। पर क्योंकि स्पेसशिप का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अरोरा को लीवर खींचना ही पड़ता है। ऐसा होने से सारी हीट जिम को छूते हुए बाहर निकलने लगती है। पर तभी जिम का पैर फिसल गया। वो नीचे की तरफ इतनी जोर से जाने लगा कि उसके जिस्म से जो सेफ्टी गार्ड लगी थी वो टूट जाती है। अब शिप तो ठीक हो गई थी लेकिन जिम अभी भी स्पेस में ही था। उसके सूट में छेद हो गया था और अब वो स्पेसशिप से दूर हो रहा था। अब उसे बचाने के लिए अरोरा भी सूट पहनकर बाहर आती है। हालांकि जिम उसे दिख तो गया लेकिन वो इससे काफी दूर था, मगर फिर भी अरोरा उस तक पहुँचने की कोशिश करती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया था लेकिन हाथ फिसलने की वजह से एक बार फिर अलग अलग हो गई। ये देखकर अरोरा रोने लगी क्योंकि उसे लग रहा था जैसे जिम जा चुका है। लेकिन तभी वो उस तार को देख लेती है जो जिम के साथ जुड़ी हुई थी। वो जल्दी से इस तार को पकड़ के उसे अपनी तरफ कर लेती है, जिसके बाद उसे स्पेसशिप में ले आई। अब जिम का सूट जल गया था। काफी देर तक स्पेस में रहने की वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है, जो देखकर अरोरा काफी डर गई। वो उसका सूट उतार कर उसे मेडिकल मशीन में डाल देती है। वो मशीन को हुक्म देती है कि अपने सारे फंक्शंस एक साथ ही जिम पर कर डालो। ऐसा होते ही मशीन एक साथ जिम का इलाज करने लगती है, मगर उसकी हालत में जरा भी बदलाव नहीं आता। मगर खुशकिस्मती से कुछ ही देर में जिम की आंखें खुल जाती है, जो देखकर अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिम की हालत बेहतर होते ही ये दोनों पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देती है, जिसके बाद इज्जत के तौर पर हेड की लाश को कपड़े पहनाकर बैच लगाती है और उसे स्पेसशिप में छोड़ दिया जाता है। अब जिम को एक और स्लीपिंग चेम्बर मिलता है जो बिल्कुल ठीक था। उसमें इन दोनों में से कोई एक जाकर सो सकता था, इसलिए वो अरोरा को कहता है कि तुम वापस जाकर लेट जाओ, फिर 90 साल के बाद ही जागना, जहाँ तुम्हारी आंखें खुलने पर तुम्हारे सामने वो दूसरा प्लेनेट होगा। मगर अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, हम साथ मिलकर रहेंगे, जो भी अंजाम होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये कुछ और साल यहाँ गुजारते हैं, जहाँ एक दिन जिम अरोरा को वो अंगूठी दे ही देता है जो पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब इसके बाद हम सीधा पूरे 90 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ वो स्पेसशिप आखिरकार उस प्लेनेट तक पहुँच गई थी, यानी अपनी मंजिल तक। ऐसा होते ही सभी मेंबर्स नींद से जाग जाते हैं, पर जब ये स्पेसशिप से उतरने लगी तो इन्होंने देखा कि पूरे स्पेसशिप में पेड़ पौधे उगे हुए हैं जो अरोरा और जिम ने उगाए थे। पर क्योंकि इतने साल गुजर गए थे तो उनकी मौत हो गई थी, मगर उन्होंने काफी सारे अच्छे कामों में से ये भी किया कि स्पेसशिप को ठीक कर दिया, तभी ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँच पाए। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।